हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी मैं दोपहर क्या शाम ही हो गया है, 3:30 बज गया है और अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जस्ट नहा के आई हूँ, सब्जी बना लिया, खाना नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड और ननद अभी भी नहीं आए। और आज तो कल से ही इवन थोड़ा बहुत मेरा मूड ख़राब है। वैसे तो 4-5 दिन से चल रही थी, फिर भी कल से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो नाक जो रोज़ दिखाती हूँ, देखिए आज तो निकल गया है फाइनली, तो ये बहुत डर्ट कर रहा है, तो इसीलिए मूड भी ख़राब थे मेरा। फिर भी कोई नहीं, अभी शायद से ये निकल गया है तो और 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। और मैं चाय, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, तो आज थोड़ा ज़्यादा बन गया। वैसे तो मैं बहुत कम पीती हूँ, इसका हाफ पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा बन गया। फिर भी कोई ना, पी लूँगी सोच रही हूँ। और आज मैं फिर से कार्डबोर्ड से कुछ बनाऊंगी। ये एक दूसरा वाला निकालना है, वो बड़ा है, ये एक कार्डबोर्ड छोटा सा, ये हस्बैंड के लिए मैं कुछ बनाऊंगी। उसका बहुत टेबल उसका बिखरा हुआ रहता है सामान, मार्कर पेंसिल क्या क्या पता नहीं, तो उसके लिए एक बनाऊंगी। सोचा इस डब्बा को देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और दूसरा वाला तो बड़ा है, कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत बड़ा है, वो मेरे लिए बनाऊंगी। मेरे लिए मतलब कि आप सभी को पता है मैं ऊल का बैग स्टिच करती हूँ, तो मेरे पास ऊल का स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार वो बहुत फैला के रखती हूँ मैं, मतलब निकालती हूँ फिर नहीं डालती हूँ, या यहाँ एक वहाँ एक, ऐसे एक प्लास्टिक करके पूरा हमारा रूम तो पूरा बिखरा हुआ है ऊल और मेरे हस्बैंड के कपड़े से ही। तो सोचा आज मैं मेरा ऊल के लिए कुछ बनाऊँ, जो ये चाय पीऊँगी और हस्बैंड लोग आके खाना खा के मैं बनाना स्टार्ट करूँगी सोच रही हूँ। तो जब बनाऊँगी तब मिलेंगे आप सबसे, तो फिलहाल मैं ये चाय पी लेती हूँ और हस्बैंड का वेट करती हूँ, कब जो आएगा पता नहीं। A few moments later. गुड इवनिंग आप सभी को। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, खेलने का पार्टनर नहीं मिला इसलिए जा रहा हूं। मेरा मूड ऑफ है और हस्बैंड को खेलने का पार्टनर नहीं मिला, वो है रीजन उसका जाने का। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर ऐसे घूमने जा रहे हैं, देखते हैं कुछ लेके आती हो या नहीं। नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। हाँ, हस्बैंड इतना कंजूस है, कहाँ लेने देगा, वो तो जाके पता चलेगा कुछ रहेंगे या नहीं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। मैं यहाँ सिलचर का नहाता मैं तो बहुत बार गई, लेकिन गर्मन का नहाता मैं एक बार भी नहीं गई, तो सोच रही हूँ वहाँ जाऊँगी। फिर भी जाके देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो मैं वापस आ गई, आके थोड़ी देर बैठा, हवा खाई अभी, तो मेरा मूड भी सही हो गया। जो शैम्पू थोड़ा बहुत ख़राब थे इस नाक की वजह से, तो मैंने आज मैं पहली बार नहाता गई, करीमगंज का नहाता, सिलचर का नहीं। सिलचर का वालों में तो बहुत बार जाती हूँ, इवन सिलचर का नहाता में तो मैं जाती हूँ पहले भी, इवन अभी भी जाती हूँ, लेकिन करीमगंज का नहाता में नहीं गई, क्योंकि जब ये इनॉग्रेट हुआ अप्रैल महीने में हुआ, प्रथम बैशाख के पहले हुआ, तो तब तो मैं नहीं थी, मतलब मैं ससुराल में थी, तो तब मैं नहीं गई, हस्बैंड और ननन गए तब। और तभी बोला इनग्रेट है बोल के, बहुत भीड़ था और क्षेत्र सेल मतलब रिडक्शन सेल भी चल रहे थे। फिर भी कोई नहीं, आज गई और मुझे कितने दिनों से लेने का जो मन था वो मैंने आज फाइनली ले लिया है। वो है ये बेडशीट लिया है मैंने, मेरे खुद के लिए नहीं किया शॉपिंग, मेरे घर के लिए शॉपिंग किया है मतलब। तो ये बेडशीट कुछ इस तरीके से, मुझे वाइट कलर में चाहिए था, लेकिन पूरा वाइट में नहीं है, ये प्लेन वाइट में नहीं मिला मुझे, फिर दूसरा लिया। तो ये एक लिया है, ये बेडशीट, ये पिलो कवर। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो ये बेडशीट लिया है, बेडशीट का भंडार लेके आई हूँ आज सुबह, क्योंकि बहुत दिनों से मन था मुझे लेने का, और लास्ट टाइम जो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आया वो मेरा मूड ख़राब कर दिया। और ये दूसरा एक प्लेन कलर का वाइट वाइट में लिया है, क्योंकि मुझे बहुत मीन्स बहुत दिनों से लेने का मन था प्लेन वाइट में, मतलब अभी गर्मी का दिन है तो देखने में एक अच्छा लगता है। तो ये एक लिया और ये दूसरा लिया, ये थोड़ा ऑफ वाइट है, ये दूसरा लिया, ये हमारा बेड का है, ये किंग साइज बेड का। और ये तो यहाँ सिटिंग रूम में जो है हम लोगों का डबल बेड का, मतलब यहाँ का सिटिंग रूम का थोड़ा छोटा है। और एक वाइट कलर का लिया, लेकिन प्रिंट है इसमें थोड़ा सा, देखिए। तो यस, जाके
बेडशीट ही बेडशीट लेके आ गई। कितने दिन का लेने का जो मन में इच्छा थी वो पूरा करके आई कि मुझे हाँ वाइट कलर का बेडशीट चाहिए चाहिए चाहिए, तो आज फाइनली ले लिया है। तो मैं खुश हूँ, अभी मेरा मूड भी सही हो गया है, तो अभी रेस्ट करूँगी। और आप सभी को जो इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैं कार्टून का आज कुछ बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का ये स्टडी टेबल के लिए, स्टडी टेबल नहीं उसका ऑफिस का जो लिखते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, ग्रीन टी पीऊँगी, फिर जाके मैं बनाऊँगी। लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि जो मैं करने का मन होता है वो जब तक नहीं करते, मेरा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, तो वो ख़त्म होगा तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर जाके बनाऊँ। रेस्ट कर लिया है, चाय पी के, चाय भी ख़त्म हो गया। अभी मैं बॉक्स जो बनाऊँगी बोला, देखिए मैंने काट दिया है ये बॉक्स, जो मेरा पार्सल आया वो है, देखिए चारों तरफ इसका जो चारों तरफ काट दिया है, और यहाँ पे मैंने इसे दो टुकड़ा कर दिया है देखिए, और यहाँ थोड़ा सा ऐसा काट दिया, यहाँ पे भी आधा काट दिया, जिससे कि इसे मैं ऐसे फिक्स कर पाऊँ। तो इसका साइज़ का मेजरमेंट लेके मैंने ऐसा काट दिया है, जिससे ये तो वैसे ही फिक्स रहेंगे, अंदर में और फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ इसे एडजस्ट करेंगे। यस, ये चार पार्ट हो जाएगा अभी। तो इसमें मैं अगेन इसको ही लगाऊंगी, जो मेरा टेबल कवर, जिसके लिए मैंने गम ले लिया है, ये कुछ मैंने क्लिप लिया है, कपड़ा सुखाने वाला क्लिप, क्योंकि इसमें जब फेविकोल लगाएंगे तो इसको सूखने के लिए, वैसे वैसे सूखने के लिए मैं इसे लगा के रखूँगी, जिससे ये अच्छे से सूख जाए। तो यस, अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ चारों तरफ लगा के अभी सूखने के लिए ये सब क्लिप लगा के रख दिया है। अभी कौन बोलेगा ये कि मैंने ये कार्डबोर्ड को यूज़ किया है बोल के, अभी जो इसके मिडिल में जो मैंने मैं रखूँगी उसके लिए ये मेज़रमेंट देखिए अभी काट के रखा है, अभी भी इसे मैं फेविकॉल की मदद से फिक्स कर दूँगी। गम लगाते वक्त नहीं देखा है, क्योंकि वो तो ऐसे नॉर्मल जैसे सब लगाते, मैंने भी वैसे ही लगाया है, तो इसे मैं फिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने सारा बॉक्स बना लिया है, देखिए 1, 2, 3, 4 सभी कवर चिपका दिया है, ये जो मेरा डाइनिंग कवर, और तो ये क्लिप अभी भी लगा हुआ है, इसको सूखने के लिए अभी रख दूँगी कुछ देर के लिए, और यहाँ पे साइड में एक मैं धागा से बांध दूँगी मोटा करके, क्योंकि ये ऐसा एक्सपांड हो जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ सामान रखूँगी तो ऐसा ऐसा खिसक जा रहा है, तो इसको टाइट करके रखने के लिए मैं एक ऊल का से रिबन बना के चारों तरफ बांध के रख दूँगी, तो ये टाइट होके बैठेंगे। तो अभी देखती हूँ रिबन कैसा बनाती हूँ। वेल, तो मैंने बना लिया है मेरा बॉक्स, चारों तरफ से मैंने रैप कर लिया है, अभी रेडी हो गया है, लेकिन पूरा थोड़ा सूखना बाकी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये तो कल सुबह ही अच्छे से सूखेंगे मुझे जितना लग रहा है, फिर भी मैं आप सभी को दिखा दूँ। यस, देखिए मैंने साइड में बांधा है, क्योंकि इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, तो ये कल सुबह देखती हूँ इसका क्या हालत होता है, क्योंकि अभी तो अच्छे से नहीं सूखा है, थोड़ा अभी नरम नरम लग रहा है, फिर भी जो सोचा था वो तो हो गया, मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसका रोज़ का काम है। हस्बैंड, आपके लिए गिफ्ट, काले डब्बा गिफ्ट। अंदर क्या है? अंदर में कुछ नहीं है, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। पैसा रहेगा क्या? इसमें क्या रखेंगे, पैसा थोड़ी रहुना। पैसा रखने से तो काफी आ जाएगा पैसा, आपका पैसा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो एक में ये स्केच पेन होगा, दूसरा में कलम जो आपका सब होगा, फिर आपका मार्कर कहाँ गया, इतना सारा मार्कर जो होता है आपका, कहाँ है मार्कर? एक में मार्कर डाल देंगे, एक में मिसलिनियस मतलब गम, स्टेपलर, कैंची, अभी तो खाली है क्योंकि इधर उधर फैला हुआ है। तो कैसा है? काम आएगा। वैसे तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खरीद सकते हैं पेन स्टैंड, ऐसा नहीं है, फिर भी सोचा हस्बैंड के लिए कुछ बना के दूँ अपने हाथों से, और वैसे भी इसे हाँ देखती हूँ, अगर ये हार्ड रखने से रख सकते हैं, लेकिन खोलने से भी कोई नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा अभी भी ये सब थोड़ा नरम नरम है, अभी भी अच्छे से नहीं सूखा है।
तो कल सुबह तक शायद सूख जाएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, विशेष टिप्पणी दीजिए इसके ऊपर। खत्म, नो कमेंट। कम मेस्ट अप होगा शायद। और आपका और फ्री में हो गया, पैसा बच गया, पैसा बच गया। तो मैंने इस काम के लिए इसे बनाया। एक्चुअली उसका बहुत सारा क्या क्या रखना होता है, तो मैंने सोचा एक में स्केचपेन रखेंगे, एक में फैन, एक में उसका मार्कर सब, और एक में मिसेलेनियस में स्टेपलर, उसका स्टेपलर का पिन, कैंची, ऑफिस पैड, मतलब पता नहीं। ये टेबल पूरा ऐसे ही फैला हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम, तो सोचा थोड़ा इसमें सब भेजने को मिलेगा, तो वो सोच के मैंने बना लिया। उसका ईयरफोन तो यस, सक्सेस हो गया।